नमस्कार साथियों साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोट इंडिया आज जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन तक पहुंचने में उसने कौन कौन से मार्केट स्ट्रेटजी अपनाए, उसको हम इसमें विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बोट इंडिया की सबसे बड़ी जो मार्केट स्ट्रेटजी रही है वह रही है अफोर्डेबल प्रोडक्ट। जी हाँ, अफोर्डेबल प्रोडक्ट की वजह से ही यह मार्केट में उतरा। आपको बता दूं कि 2016 में जब यह मार्केट में आया तो इसने सबसे पहला प्रोडक्ट अपना एयरफोन लॉन्च किया। आपको बता दूं कि उस समय भारतीय मार्केट में दो ही तरह के एयरफोन बिकते थे। पहले तो वही एयरफोन जो मोबाइल सेट्स के साथ आते थे या मोबाइल कंपनियां अपना एयरफोन बेचती थी, जो बहुत महंगे होते थे, हर किसी के बस की बात नहीं होती थी एयरफोन को खरीदने में। और दूसरा चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाइनीज़ एयरफोन। तो चाइनीज़ एयरफोन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत मजबूरन बस खरीदते थे, काम चलाऊँ खरीदते थे। तो इसने देखा कि मार्केट में छोटी सी गैप है, वह यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एयरफोन खरीदना तो चाहते हैं लेकिन उसकी अपनी कोई एक ब्रांड हो या उसका अपना कोई एक वारंटी हो। तो इसका जो सबसे बड़ा मार्केट स्ट्रेटजी रहा वह यह रहा कि इसने मार्केट में एक मीडियम रेंज का प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसकी वजह से लोगों ने थोड़ा सा भरोसा जताना स्टार्ट किया। लेकिन भरोसा क्यों जताएंगे, इसके लिए इसने दूसरा मार्केट स्ट्रेटजी अपना। दूसरा इसका जो मार्केट स्ट्रेटजी रहा वह ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ड्यूरेबल प्रोडक्ट इसने इसलिए किया क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि जो बोट इंडिया है यह मेड इन चाइनीज़ प्रोडक्ट है। जी हाँ, मेड इन चाइनीज़ प्रोडक्ट है। तो कैसे कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट ही उतार दे और चाइनीज़ जो एयरफोन पहले से बिक रहे हैं उससे थोड़ा महंगा बेचे, इसके लिए इसने ड्यूरेबल प्रोडक्ट इसलिए कहा क्योंकि इसने अब अपने प्रोडक्ट पे वारंटी लेनी स्टार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा दूसरा USP रहा, इलेक्ट्रॉनिक सामान खासकर चाइनीज़ प्रोडक्ट पर जब कोई वारंटी लेना स्टार्ट कर दे तो यह डिफरेंट होता है। खासकर कोई ईयरफोन और वह भी जो मेड इन चाइनीज़ प्रोडक्ट हो उस पर वारंटी लेना स्टार्ट कर दे तो यह डिफरेंट था मार्केट में उस समय, और सस्ता भी था। तो इसलिए लोगों ने इसके ईयरफोन को खरीदने में विश्वास जताई। इसने कई कलेक्शन सेंटर बनाए और सर्विस सेंटर बनाए, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास धीरे धीरे बोट इंडिया की तरफ बढ़ने लगा, खासकर युवाओं का। वही तीसरा इसका जो सबसे बड़ा मार्केट स्ट्रेटजी रहा वह फैशनेबल प्रोडक्ट का रहा। आप देख लीजिए, इसके जो ईयरफोन होते हैं वह बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, बहुत डिजाइनेटेड होते हैं, जो मार्केट में आपको अन्य प्रोडक्ट से थोड़े डिफरेंट ही दिखते हैं, जिसकी वजह से युवाओं का अट्रैक्शन इसके प्रोडक्ट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा और इसको एक फैशन आइकॉन के रूप में इसने प्रेजेंट किया। तो तीसरी इसकी जो सबसे बड़ी USP रही है वह फैशनेबल प्रोडक्ट के रूप में रही, और आज भी यह प्रोडक्ट खासकर युवा इसको इसीलिए खरीदता है क्योंकि यह दिखने में भी अच्छा होता है और बहुत अच्छे डिजाइने ठोड़ते हैं। इसके लिए इसने अपनी कंपनी में 15 सदस्यों वाली एक R&D टीम बनाई जो यह डिसाइड करती है कि कौन से प्रोडक्ट मार्केट में उतरने के बाद ट्रेंड करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। तो किसी भी एयरफोन, स्पीकर्स या हेडफोन्स, जितने भी उसके प्रोडक्ट है, लॉन्च होने से पहले वह डिसाइड करती है कि कौन से डिजाइन के, कौन से कलर के प्रोडक्ट हमको मार्केट में लॉन्च करनी चाहिए। तो इस पर इसने काफ़ी मेहनत किया और सफल भी रहा। वही चौथा इसका जो सबसे बड़ा USP रहा है वह रहा है कस्टमर एज अ बोटेड। जी हाँ, कस्टमर एज अ बोटेड, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कंपनियां आपको एज अ कंज्यूमर के रूप में देखती हैं। वह खरीदार को क्या कहती है, कंज्यूमर, प्रोडक्ट जो यूज कर रहा है यूजर से उसको कंज्यूमर कहती है। लेकिन यह कहता है कि जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदता है एक्चुअल में कंज्यूमर नहीं है, वह बोटेड है। बोटेड है मतलब उसको एक निक नेम दिया इसने कि जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करता है वो बोटेड कहलाता है। डैट मीन्स यह एक ब्रांड आइकन के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करने की बात कही कि वी आर अ ब्रांड, अगर आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हो तो आप बोटेड हो। तो इसकी चौथी जो सबसे बड़ी USP रही है वह बोटहेड रही है, नॉट अ कंज्यूमर बट एज अ बोटहेड। जब आप इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक कंज्यूमर नहीं होते हैं बल्कि
बोट हेड होते हैं, जो इसके कंपनी का एक सदस्य होते हैं, एक सदस्य के रूप में यह आपको देखता है। वहीं पांचवी इसकी जो सबसे बड़ी मार्केट स्ट्रेटजी रही है, इसने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मार्केट को टारगेट किया। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2020 की देखें तो 2020 में इसने 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। उसमें से इसने 20% जो रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब 100 करोड़, वह ऑफलाइन मार्केट से जनरेट किया, और 80% जो इसका रेवेन्यू रहा वह ऑनलाइन मार्केट से रहा। ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट दोनों को इसने इसलिए फोकस किया कि अभी भी कुछ युवा ऐसे हैं जिनको अभी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने में भरोसा नहीं होता है, वह दुकानों पे जाकर देखकर उसको सही से परख कर ही खरीदना पसंद करते हैं। तो इसने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को टारगेट किया, जिसकी वजह से यह कहता है कि आज मैं एक दिन में लगभग 10,000 अपने प्रोडक्ट मार्केट में बेचता हूँ। वही छठी इसकी जो सबसे बड़ी मार्केट स्ट्रेटजी रही, वह रही सेलिब्रिटी वर्ड ऑफ माउथ। जी हाँ, सेलिब्रिटी वर्ड ऑफ माउथ। आपको भी पता होना चाहिए कि ईयरफोन कौन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, यंगस्टर इस्तेमाल करता है। यंगस्टर्स जो होते हैं वह ज़्यादातर किसके प्रेमी होते हैं, गानों के प्रति उनका अट्रैक्शन होता है, फिल्मों के प्रति अट्रैक्शन होता है, या खेल के प्रति अट्रैक्शन होता है। तो इसके लिए इसने सेलिब्रिटी वर्ड ऑफ माउथ इस्तेमाल किया, और उसके लिए इसने 3 कैंपेन लॉन्च किया। पहला इसका जो कैंपेन रहा वह साउंड ऑफ द चैंपियंस, या खेल प्रेमियों के लिए रहा। जी हाँ, इसके लिए इन्होंने KL राहुल, सीरियस अय्यर, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या को इस कैंपेन का हिस्सा बनाया। तो क्या हुआ, जो खेल प्रेमी थे, जो इनके फैंस थे, वह काफी अट्रैक्ट हुए बोट प्रोडक्ट की तरफ। वही दूसरा इसका जो सबसे सफल कैंपियन रहा वह रहा ग्लैमर ऑफ द स्टार्स। जी हाँ, जो फिल्म प्रेमी होते हैं उसके लिए इन्होंने कार्तिक आर्यन और कियारा एडवानी को इस कैंपियन का हिस्सा बनाया, जिसकी वजह से यह कैंपियन भी काफी कामयाब रहा, काफी सफल रहा। वहीं तीसरा इसका जो सबसे सफल कैंपियन रहा वह रहा सोल ऑफ द म्यूजिशियंस। जी हाँ, सोल ऑफ द म्यूजिशियंस के लिए इसने 3 लोगों को इस कैंपियन का हिस्सा बनाया। सबसे पहले इन्होंने नेहा कक्कड़, दूसरा दिलजीत दोसांझ और तीसरा नैनजी को इस कैंपियन का हिस्सा बनाया। तो इन 6 स्टूडियो को अपनाकर आज यह कंपनी भारत की नंबर 1 ईयरवेयर ऑडियो ब्रांड बन गई है। और आपको बता दूं कि आज पूरे मार्केट का यह लीडिंग ब्रांड बन गया है। आज यह पूरे ईयरवियर सेगमेंट का लगभग 27.3% मार्केट अकेले देखता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस केस स्टडी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।